प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यूपी में दूसरा दिन है। रविवार को आजमगढ़ से पीएम मोदी ने देश भर के 15 एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैं दूसरे मिट्टी का बना हूं, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते थे। उन्होंने कहा कि मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश का तेज गति से दौड़ रहा हूं। 2024 में किए जा रहे शिलान्यासों को कोई चुनाव के चश्मे से ना देखे, क्योंकि 2019 में हमने जो शिलान्यास किए थे उनके उद्घाटन हो चुके हैं। बता दें कि आजमगढ़ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को स्मृति चिन्ह दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ पहले अपराध और माफियाओं का गढ़ था, लेकिन 10 साल में आजमगढ़ की पहचान बदल गई। इससे पहले सुबह वाराणसी में पीएम ने BLW गेस्ट में 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। बता दें कि पीएम मोदी एक दिन पहले काशी पहुंचे थे। यहां उन्होंने बाबतपुर एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर का रोड शो किया, फिर काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में बाबा का पूजन किया। इसके बाद मंदिर से बाहर आकर पीएम ने त्रिशूल उठाया और हर हर महादेव का जय घोष किया। आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है और इन टर्मिनल्स के लिए इतनी तेजी से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया है।